अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमत अल्तीफ और आप लोग देख रहे हैं डिजिटेक का। तो गाइस पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पर बेसिक कलर करेक्शन, ठीक है। बेसिक कलर करेक्शन में हम लोग क्या करते थे, अपनी मर्जी से जैसे हम यहाँ सेक्स कंट्रास्ट जो है इंक्रीज कर लेते थे, हाईलाइट इंक्रीज कर लेते थे, शेडो इंक्रीज कर लेते थे, लेकिन उससे हमारा जो बहुत एडवांस नहीं था होता, ठीक है। एडवांस लेवल की जो कलर करेक्शन थी वो हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर कंट्रोल था वो हम इसकी मदद से जो है हम लोग सेट कर रहे थे। लेकिन हम लोग अब एडवांस जो लेवल है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, एडवांस कलर करेक्शन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही ये सब कैसे ऑन करना है, तो आपने विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद आपने लुमेट्रिक्स कलर और लुमेट्रिक्स स्कोप ऑन कर लेनी है। लुमेट्रिक्स कलर ऑन करेंगे तो आपके पास ये वाला चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग लुमेट्रिक्स स्कोप ऑन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, मैट्रिक्स स्कोप यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इस बेसिक कलर को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर क्रिएटिव है, ठीक है, क्रिएटिव को हमने ऑन नहीं करना, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। और अब यहाँ पर है कर्व्स, कर्व्स को हमने ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आरजीबी कर्व्स आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर आरजीबी जो है वो ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये वाइट है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये वाइट कलर है, ये ऊपर तो ठीक है, कहीं ना कहीं पर ठीक है, 100 को टच कर रहा है, लेकिन नीचे जो है वो 0 को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, जिससे हमारा जो ये वाइट कलर है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर रेड कलर है, रेड कलर जो है हमारा 100 को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ नीचे जो है 0 को टच नहीं कर रहा है। इसी तरह ग्रीन कलर है, यहाँ पर ग्रीन कलर भी जो है यहाँ पर 100 को टच कर रहा है, ब्लू भी 100 को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 को कोई भी टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जो काफ़ी अच्छे से जो है हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी वीडियो है, ठीक है, मैं उसके ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 0 को टच कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ हमारा 100 को टच नहीं कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी 0 को टच कर रहा है, यहाँ पर ग्रीन भी जो है 0 को टच कर रहा है, लेकिन ब्लू जो है 0 से भी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर इन तो सब को भी हमने 100 के ऊपर लेकर जाना है, और इसको जो है हमने 100 के ऊपर लेकर जाना है, ताकि हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा कलर करेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर ये रहा, ठीक है, इसमें सब कुछ परफेक्ट है, किसी भी तरह का जो है हमें एडिटिंग कलर करने की, कलर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको बारी बारी करता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये वाला बटरफ्लाई वाला सिलेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, वाइट कलर को। हम अभी वाइट को सेट करने लगे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस रेड को सेट करना चाहते हैं तो रेड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं अभी सिर्फ वाइट को सेट करूँगा, तो वाइट को ही मैं सेट करूँगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर की फ्रेम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने की फ्रेम्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पीछे काफ़ी सारी वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग की फ्रेम्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरह। तो ये नहीं अभी हमने ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ इस बॉक्स के बारे में, कि हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी जो लाइट है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, वाइट कलर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ से मतलब यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा डार्क हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको लेकर जाता हूँ ऊपर की तरफ, आप देखते हैं कि हमारा जो कलर है वाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फुल लेके गया तो सारा ही वाइट हो गया। इस तरह अगर मैं यहाँ पर आया नीचे की तरफ तो ये डार्क हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ब्लैक हो गया सारा ही। तो मैं इसको जो है यहाँ पर सेट करता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हमारा जो है नीचे की तरफ हमने करना है, तो यहाँ पर जो है ये 0 को टच कर रहा है। और आप लोग देख सकते हैं पहले कैसे था और अब कैसे, यहाँ पर मैं ऑफ करता हूँ तो पहले ये था, ठीक है, और यहाँ पर 0 को टच नहीं था कर रहा, लेकिन अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो हमने कलर करेक्शन की है, तो यहाँ पर ये ऑन है, ठीक है, मतलब कि अब 0 को टच कर रहा है, सारे कलर जो है वो 0 को टच कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ी सी लाइट बढ़ा दूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी बढ़ाऊँगा, यहाँ पर हल्की सी जो लाइट है वो बढ़ानी है बस। तो यहाँ पर और अब हम लोग जो है रेड कलर को सेट करेंगे। तो ये रहा हमारा ये वाइट कलर है, ठीक है, अब इसने इसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा ये रेड कलर, और रेड कलर जो है हमारा 0 के ऊपर लगभग ठीक जा रहा है। तो हम फिर भी सेट करके देख लेते हैं,
यहाँ से नीचे की तरफ से डिक्रीज करके देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में बेस्ट आ रहा है या फिर जीरो से नीचे जा रहा है बल्कि, तो हम थोड़ा सा बस करते हैं यहाँ से, बस थोड़ा सा कर देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर रहता हूँ ग्रीन के ऊपर, और ग्रीन के ऊपर जाने के बाद मैं अगर इसको फुल ऊपर लेके जाता हूँ तो ग्रीन ही हो जाएगा, सारा कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह मैं नीचे की तरफ लेके आऊँ इसको, तो यहाँ पर जो सारा कलर है वो ग्रीन चला जाएगा इसमें। तो मैं इसको जो है यहाँ पर रखता हूँ अभी, और थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो ग्रीन कलर है वो हमारा काफ़ी अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर जो है वो हमारा काफ़ी अच्छा है वैसे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें अगर हम कुछ चेंज कर पाए, लेकिन हम पहले फुल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो सारा ब्लू हो गया ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जीरो पर डिक्रीज कर दूँ सारा तो यहाँ पर ब्लू कलर है ही नहीं। तो मैं इसको भी यहाँ पर रखता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ठीक लग रहा है क्योंकि हमें ये थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज नहीं करना हमने, तो इतना ज़्यादा भी नहीं, ये ज़ीरो से ऊपर जा रहा है, ज़ीरो को टच करना चाहिए। तो यहाँ पर ठीक लग रहा है, वहीं पर जहाँ पर पहले था। और यहाँ पर आप लोग हमारे मैट्रिस्कोप में ये भी कलर देख सकते हैं ये कितना बाहर जा रहा है ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है बाहर जा रहा है, क्योंकि पहले क्या था, पहले ये इस तरह था, इतना अंदर था ठीक है। तो जैसे हमने कलर करेक्शन अच्छा किया तो ये पीछे चला गया, और ये हमारी जो वीडियो है ठीक है इसकी कलर देखने आप पहले ये थे, और अब जो है हमने एडवांस कलर करेक्शन की मदद से ये वाले कलर जो है कर लिए। ओके गाइस, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के ऊपर, और अब हम इसकी कलर करेक्शन करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसकी कलर करेक्शन करते हैं, नीचे से देखते हैं पहले कि यहाँ से ये कलर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नीचे से तो ये ज़्यादा वाइट हो रहा है ठीक है, तो डिक्रीज करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये ब्लैक हो रहा है हम, तो उसके बाद हम यहाँ ऊपर की तरफ से भी हम लोग जो है कलर करेक्शन कर सकते हैं ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ठीक लग रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, तो क्योंकि यहाँ पर जो है RGB जो है हमारा एक लेवल पे नहीं है, इसलिए जो है इसको 100 पे टच कराना था यार, मैंने नीचे ही रहने दे दिया। तो यहाँ पर ये अब कहीं ना कहीं पे 100 को जो है टच कर रहा है, तो अब हम नीचे जो है इसके लेवल को चेक करते हैं ठीक है। हम टेम्परेचर जो है इसका कूल डाउन करेंगे, तो हम जो ब्लू है उसको सेट करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली जो है लेवल पे आ जाएगा ठीक है, लो हो जाएगा। तो हम ब्लू को सेट करते हैं, यहाँ पर ब्लू को देखते हैं कि तो अगर देखें अब हमने ज़्यादा किया तो हमारी जो पिक्चर है वो ब्लू हो रही है ठीक है। तो हम जो है इसको थोड़ा सा कम ही गिराने देते हैं, तो यहाँ पर तकरीबन अब ठीक लग रहा है। अब जो हमारा टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं है ठीक है, मैं जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, लेकिन ये वाइट से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वाइट को जो है हम थोड़ा सा और करते हैं यहाँ पर, और अब ब्लू को हम करते हैं यहाँ पर, ब्लू तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर जो है ठीक लग रहा है अब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे जो कलर हैं वो मैनेज कर दिए हैं, यहाँ पर ग्रीन है ठीक है, ग्रीन को हम भी हम थोड़ा सा जो है इंक्रीज करके देखते हैं। तो अब ये भी हमारे पास जो ग्रीन कलर है ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं पे फिट हो चुका है ठीक है, 100 को टच कर रहा है। तो सारे कलर जो है हम लोगों ने सेट कर लिए हैं ठीक है, अब हमें किसी भी कलर जो है सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एडवांस जो है सेटिंग कर सकते हैं ठीक है, एडवांस लेवल की कलर करेक्शन जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी टैब्स हैं, जैसे हम कोई कलर को इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ पर ठीक है, तो हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर
की फ्रेम ऐड करना चाहें, जैसे कि हम मैं चाहता हूं कि यहां पर ग्रीन कलर को सिर्फ मैं ऊपर या नीचे करूं, तो यहां पर मैं दो की फ्रेम से ऐड करके मैं इस कलर को जो है नीचे कर लूं, ठीक है। तो या मैं ऊपर कर लूं तो सिर्फ ग्रीन कलर ही जो है वो ऊपर नीचे होगा और यहाँ पर कलर में ऐड होगा, ठीक है। तो मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी ग्रीन के ऊपर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं दो मार्क करके, ठीक है, नीचे जो है इसको इस तरह कर्व करना चाहता हूँ, तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ और इस तरह भी कर सकता हूँ मैं इसको। तो अपनी मर्जी से जो है जैसे भी हम चाहें वैसे हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। तो मैं इन सब को रिमूव कर लेता हूं क्योंकि हमारे जो पिक्चर है वो यहां पर वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा कलर करेक्शन हो चुके हैं। तो गाइस इस तरह जो है हम लोग जो है कलर करेक्शन कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, एडवांस लेवल की जो कलर करेक्शन है। और यहाँ पर हम जो ये वाले कलर हैं, ठीक है, इनको भी यूज़ कर सकते हैं और जैसे जैसे हमारा दिल करे, जैसे जहाँ पर हम किसी कलर को रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये भी हमारे पास एक कलर करेक्शन की ही लेवल है। यहाँ पर हम लोग जो वाइट को और करना चाहें, ठीक है, यहाँ पर, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ है, मगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कितना ही छोटा हो गया, ठीक है। मगर पहले बहुत ज़्यादा छोटा था, पहले कितना था, इतना था, और अब इतना हो गया, ठीक है। पहले हमारी कलर वीडियो जो कलर था वो इस तरह था, ठीक है। तो अब हमने जो एडवांस लेवल की कलर करेक्शन की, तो अब हमारे पास यहाँ पर हो गया, तो अब सारी चीज़ें जो है हमारे पास मैनेज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस तरह से, आप लोग जो नीचे वाले तो इतने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से हम लोग जो है अपने सारे कलर करेक्शन जो है कर लेते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एडवांस कलर करेक्शन की काफ़ी अच्छे से समझ लगी होगी। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो तभी आपको इसकी अच्छे से सही समझ लग पाएगी, वरना इतना अच्छा जो है आपको समझ नहीं लगेगी। तो आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके देखें, फिर आपको काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और मुझे नीचे कमेंट में बताना ज़रूर कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है या फिर बीच में ही छोड़ के चले गए। और अगर चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पीछे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लो, जैसे भी कर लो उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपके पास आ सके। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।